भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले, सक्रिय मामलों की संख्या हुई 1,50,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 83 नई मौतों के बाद देश में कुल मृतकों की संख्या 1,56,385 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर, पीएम मोदी राज्य की जनता को कई सौगातें देंगे, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सोमवार को ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा, केरल के 2 दिवसीय दौरे पर है राहुल गांधी। संसदीय क्षेत्र वायनाड का भी करेंगे दौरा। राहुल गांधी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद से केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की हो रही है साजिश। कासरकोड में एक जनसभा में केरल सरकार पर साधा निशाना, बोले केरल हाईकोर्ट ने 2009 में लव जिहाद को लेकर सुनाया था, लेकिन यहाँ की सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। हादसे में बाल बाल बच्चे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इंदौर के एक अस्पताल में झटका खाकर 10 फुट नीचे गिरी लिफ्ट। मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ से फोन पर पूछा हालचाल, दिए घटना की जांच के आदेश। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा राजधर्म का पालन करे प्रधानमंत्री, महंगाई से जनता त्रस्त। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कहा कि करें नियमों का पालन। राज्य में सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़े पर लगी रोक, ठाकरे ने कहा कि 8 दिन के बाद लेंगे लॉकडाउन पर फैसला। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रमों का किया ऐलान। किसान नेताओं ने सरकार पर लगाया दमन का आरोप। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली पुलिस ने 122 लोगों को किया था गिरफ्तार, इनमें से 32 लोगों को मिल चुकी है जमानत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आलापा पाकिस्तान का राग, बोले आतंकवाद पर पाकिस्तान से बात करे केंद्र सरकार। महबूबा मुफ्ती ने भी की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। रूबीना दिलेक बनी बिग बॉस 14 की विजेता, रूबीना ने राहुल वैद्य को पछाड़ा। अंतिम दौर में पहुंचने वालों में अभिनेत्री निक्की तंबोली, अली गोनी और राखी सावंत थी। तंबोली तीसरे स्थान पर रही जबकि गोनी चौथे स्थान पर रही।